हेलो गाइस, नमस्ते। निकिता किचन में आपका स्वागत है। गाइस ये देखिए, दूध फट गया था तो अब मैं उसका मावा बना रही हूँ। उसे वेस्टेज नहीं करेंगे। तो ये पानी काफ़ी सारा निकाल कर मैंने इसे रख दिया था उबालने के लिए, लेकिन ये और पानी छोड़ रहा है। तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखा रही हूँ। इससे हम मिल्क केक बनाएंगे। इसे बहुत सुखाना पड़ेगा हमें, 10 से 15 मिनट और लगेंगे सूखने में। ये देखिए इस तरह से उबल रहा है। इसे 10 मिनट और छोड़ देंगे और बीच बीच में यूँ चलाते रहेंगे। देखिए गाइस, ये काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शुगर डाल दूंगी। देखिए ये और मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि और पानी छोड़ेगा। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये हमने शक्कर मिलाई थी, उसके बाद ये कैसे और भी शेप हो गया है, भी और गाढ़ा होता जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूंगी। देखिए इस तरह से हम इसे और पकाते जाएंगे। चले इतना दूध पक जाए, फिर मैं इसमें और दूध ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें 2 कुटी हुई इलायची भी ऐड कर दूंगी। इसे फुल पर ही करना है, पकाना है, और बार बार मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये नीचे से कढ़ाई में पकने लगेगा तो ये जलता रहेगा। देखिए गाइस, हमारा मावा बनके बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला था। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, ये ऑप्शनल है। और अब मैं इसमें वो देसी घी को इसमें ग्रीस किया है हॉट पॉट में, ये जिसमें हम रोटी रखते हैं। अब ये इसी में है, शिफ्ट करूंगी इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े डाल दूंगी इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देंगे। इसको ढक्कन लगा के गरम ही इसे बंद कर देंगे, ताकि ये अंदर और इसका कलर चेंज होगा और ये अच्छे से पक जाएगा। तो इसमें ये थोड़ा फॉइल लगा के पैक कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से अंदर से हीट इसकी बनी रहे और ये अच्छे से अंदर से पक जाएगा। इस तरह से इसे हम 7-8 घंटे के लिए यूँ ही पैक करके छोड़ देंगे। वैसे देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गए, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है ये। अब मैं इसे कट करूंगी। इस तरह से पूरे कट लगाऊंगी। ये देखिए गाइस, यहाँ से मैंने कट करके यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है।
वैसे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो कलाकंद की, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे लगा। आप भी जरूर ट्राई करना। थैंक यू।